चलिए, गुड आफ्टरनून, नमस्ते एवरीवन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जय हिंद। ठीक, सिलेबस कंप्लीट, वी आर रिवाइजिंग होल सिलेबस, होल मॉक्स, मॉक्स कर रहे हैं हम लोग। कल पहला दिन था, 21 क्वेश्चन हम लोग किए थे, आज क्लास 2। ज्यादा फोकस एडवांस के ऊपर है, और हम देखे एडवांस तो मतलब 13 to 14 सम्स आता है ना, तो उतना के बाद अगर टाइम बचेगा इसीलिए हम कुछ अरिथमेटिक भी भेज दिए। सिंगल मॉक का है तो एडवांस तो सारा ही करना है, एडवांस तो छोड़ना ही नहीं है। इसके अलावा एरिथमेटिक रिवाइज कर ले तो क्या दिक्कत है ना, लेकिन एडवांस तो पर डे एक दिन, मतलब जब भी क्लास होगा तो पूरा एक मॉक में जितना भी एडवांस का क्वेश्चन है सारा हम लोगों को करना है। ठीक, स्टार्ट करें आज के क्लास का पहला सवाल, और आज आई थिंक 19 क्वेश्चन है, सारा सेम मॉक का है, सेम शिफ्ट का है, आई डोंट नो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, जैसा हम आपको बोले हैं कि पहले कोशिश करना, हम 2 घंटा पहले आपको भेज देंगे, 12:30 बजे तक कोशिश करना, एक बार ट्राई कर लें पहले ही, तो क्वेश्चन एक बार गो थ्रू रहेगा तो और अच्छा लगेगा, एक अप्रोच भी पता चल जाएगा, और सबसे बड़ा बात रिवाइज हो जाएगा, और जो नहीं बना डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो पहला क्वेश्चन बोला है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, 5 आपको निकालना है 4 sin² थीटा प्लस का 3 बाय 2 cos² थीटा प्लस का 2, कितना होगा? 4 sin² थीटा प्लस का 3 बाय 2 cos² थीटा प्लस का 2, कितना होगा? अगर आप अच्छा से हमारे स्टूडेंट हो, पढ़े हो, तो आपको तो कुछ दिखा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, कभी भी जीवन में ऐसा आ जाए एक बार जोड़ो एक बार घटाओ क्या लगाते हैं? सीएनडी लगेगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, अब तुरंत बोले सीएनडी लगाएंगे। जैसे ही आप सीएनडी लगाओगे क्या निकलेगा? सीधा मेरा ए बटा बी आएगा। तो जब सीएनडी आप लगाए सीधा मेरा आएगा ए बाय बी इज इक्वल टू, उधर भी जोड़ो उधर भी घटाओ, तो इधर जोड़े तो कितना आ गया 6, इधर घटाए तो कितना आ गया 4। यानी आप देखो साइन बाय कॉस कितना होता है, बोलिए टैन थीटा मेरा निकल कर आ गया 3/2। कोई दिक्कत? अगर टैन थीटा 3/2 है क्या करेंगे? मेक अ ट्राइंगल। तो एक ऐसा ट्राइंगल बनाए जिसमें थीटा को हम लोग साइड में बुलाएं, टेन थीटा 3/2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, √13 आ गया। मेरे को नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत होना चाहिए, जल्दी से आप देखो यहाँ पे एक बार जोड़ो एक बार घटाओ लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सीएनडी लगा दिए, डायरेक्ट मेरा ए बाई बी साइन बाई कॉस टेन थीटा निकल कर आ गया 6/4 यानी 3/2। ट्राइंगल बनाए 3/2, 9 4 13 आ गया, √13 आ गया। अब क्या करें आगे? अब कुछ नहीं, बस आपको पता है ये बस वैल्यू डालिए, 4 × sin θ कितना होगा 3/√13 का² 9/13 प्लस का 3 बाय 2 × cos θ कितना होगा d/h 2/√13 का² 4/13 प्लस का 2। इसको सॉल्व करना है। अब आप एक मेरा बात बताओ, आप एलसीएम लोगे 13, यहां भी एलसीएम लोगे 13, तो 13 से 13 तो कट ही जाएगा ना, तो सीधा ऊपर न्यूमरेटर पे वर्क करते हैं, ये मेरा आ गया 36 + 39, और नीचे मेरा आ जाएगा 8 + 26, ये कितना आ गया बोलिए 75/34 इज आवर उत्तर। क्लियर एवरीवन? किड आउट 75/34, 75/34 गीतांजलि पंडित, थैंक यू, क्लियर। अरे आप लोग का अगर आंसर आए तो बिल्कुल देना, ठीक है, वेट नहीं करना, चलो कोई डाउट नहीं है, ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन, एकदम बेस्ट अप्रोच। क्या किए हम लोग, कोई एक और ज्वाइन किया क्लास, चिको यार आप लोगों को ना लाइव अटेंड करने तो हमें बैच यही मन के अभी कल ही बंद कर देंगे, मेरे को कुछ नहीं, हम बोल देते हैं सच में, 2-3 जन आओगे क्लास में हम बैच बंद कर देंगे, 2-3 जन तो नहीं पढ़ेंगे यार, एटलीस्ट यार 8-10 जन रहेगा, नहीं क्या फिर क्या फायदा। चलो तो आप बोले साइन प्लस कॉस बाय साइन माइनस कॉस है, सीएनडी लगाए सीधा मेरा ए बटा बी निकल कर आया 3/2, अगर टैन थीटा 3/2 है मेगा ट्राइंगल कर दिए और सीधा साइन और कॉस डाल दिए। ठीक चिकू, नेक्स्ट सम से इंक्लूड हो जाएगा, चलो सुपर, गुड आफ्टरनून जी, अभी ये सेकंड सम से आप इंक्लूड हो जाओ। चलो आज की क्लास का दूसरा सवाल, वेरी इजी, वेरी बेकार की कंसेप्ट, तो हीरो कंसेप्ट वाला तो इतना इतना पढ़ा दिया आपको, इतना मतलब घिना के रख दिए, बोलिए आप ही बोलो कितना क्वेश्चन हम लोग किए ना इस पर, और हम लोग करें क्या, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आना ही आना है कॉर्ड वाले से, इतना ज्यादा मतलब पूछा जा रहा है, पता पूछा ही जाता है। चलो तो बोल रहे हैं कि एक सर्कल है जिसमें 2 कॉर्ड ऐसे ऐसे एक दूसरे को काटता है, काट दो भाई, ये आपको दिया हुआ 48, ये आपको दिया हुआ 15, ये आपको दिया हुआ 16, आपको ये वाला बताना है। आपको पता है हीरो कंसेप्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ये जो हीरो आ गया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के इक्वल होगा, यानी 16 × 15 इज इक्वल टू 48 × x, 16 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 5, आंसर आ गया। कोई डाउट?
बिल्कुल नहीं, वेरी इजी वेरी चीजी। आगे बढ़ते हैं, चलो तीसरा सवाल है बहुत ही प्यारा, याद है आपको तीसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसके लिए ना यूट्यूब पे एक क्लास है 1 घंटा का, एलजेब्रा क्लास 1 आप देखोगे ना यूट्यूब पे, वो पूरा तीसरा क्वेश्चन के ऊपर बनाया गया है मेरे तरफ से। थर्ड क्वेश्चन आप देखो, वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, अगर आप इसका आंसर कर दिए तो बहुत प्यारा मजा आ जाएगा। बोल रहे 9a² + 4b² + 49c² + 18 = 2, अंदर में 2b + 28c - 3a। आपसे पूछ रहा है बताओ a + 2b - c कितना होगा। व्हाट अ क्वेश्चन, बट उससे भी ब्यूटीफुल, तो पूरे दुनिया में कोई हम लोग जैसा सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग का खुद का ये सोल्यूशन है यार, हम खुद से बनाएंगे वाला जो हम आपको सिखाए। क्या करते हैं हम लोग, जब भी इस तरह से क्वाड्रेटिक आ जाए तो हम लोग सारा लड़का लड़का मतलब वेरिएबल्स सबको राइट साइड में लेकर जाते हैं और 2 का फॉर्म बनाते हैं। अब मजे का बात क्या है, मजे का बात ये कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 2 का फॉर्म बना हुआ है, तो अगर 2 का फॉर्म बना हुआ था तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा हम लोग बोलते हैं जो ए के सामने लिखा है वो ए का वैल्यू, बी के सामने जो लिखा है बी का वैल्यू, सी के सामने जो लिखा है सी का वैल्यू, यानी ए बराबर आ गया -3, बी बराबर आ गया 2 और सी बराबर आ गया 28। पर रुको जरा, सब्र करो, आपको एक चीज और हम सिखाए थे, क्या बोले थे कि अगर यहाँ पे नॉर्मल a² b² c² है तब कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे हीरोइन लोग आ गई है। कौन हीरोइन है, देखो ए के सामने 9, बी के सामने 4 और सी के सामने 49, तो जब हीरोइन लोग आ जाती है, हीरोइन लोग का क्या काम होता है, काटना, तो हीरोइन से आप क्या करोगे, कटवाओगे, तो ए का सामने हीरोइन कौन है 9, तो 9 से डिवाइड, बी के सामने 4, 4 से डिवाइड और सी के सामने 49, 49 से डिवाइड। वो पूरा आप ही वर्ल्ड खोज लो, कोई बुक कोई किताब कोई कोई टीचर आपको इन्हें सिखा सकता, ये वाला जो चीज की है ना कहीं नहीं, ये हम लोग खुद से सीखे हैं ये चीज। क्लियर हुआ पूरा, जो भी यहाँ पे है सिंपल हीरोइन उससे भाग कर देंगे। अब मेरे पास ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू तीनों तैयार है, देखो कैसे, ए का वैल्यू कितना आया -1/3, बी का वैल्यू कितना आया 1/2 और सी का वैल्यू कितना आया 4/7, 4/7। अब बस पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा, तो ए मतलब -1/3, 2b 2 × 1/2 1 -4/7 -4/7 एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम ले लिए कितना आ गया सकता 21, ये आ गया -7 +21 -12, -7 -12 -19, 21 में से 19 गया 2/21, फर्स्ट ऑप्शन इज आवर उत्तर। मस्त मस्त ना, रिवाइज हो गया पूरा, याद आ गया। अगर दिक्कत है ना सर्च करिएगा अलजेब्रा क्लास 1 बाय आरी, पूरा यूट्यूब पे 1.5 घंटा का लेक्चर है जिसमें सिर्फ इसी के ऊपर पूरा सम्स कराया हुआ है क्वाड्रेटिक का, बहुत प्यार से पढ़ाए थे आज ही, 2 महीना 3 महीना पहले ही पढ़ा दिए थे पूरा। क्लियर, श्वेता 5, गीतांजलि 5, चीकू थम्स अप, श्वेता 2/21, वेरी गुड। सबको बोलो याद आया सबको ये वाला बात कि जो हीरोइन होती है उससे बस कट, राइट साइड में 2 का फॉर्म बनाते हैं, जो भी जिसके सामने लिखा हो उसका वैल्यू, और जो भी श्वेता a² b² c² के सामने वो हीरोइन है, हीरोइन से बस कटवा देते हैं। ठीक है, इस समय है तो बहुत डिफिकल्ट बट बहुत अच्छा से सॉल्व हो गया अगर आपको नॉलेज है तो। आगे बढ़ते हैं, बोलता है पेट कटर ट्राइंगल, चलो बस ये और पढ़ना ही क्या है, अगर कोई एक ट्राइंगल में अगर बोल दिया कि कोई एक लाइन पैरेलल है किसी से तो आप तुरंत समझ गए क्या बनेगा, पेट कटर ट्राइंगल, बस फिगर बनाइए, बनाते फिगर। बोलता है इन ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी, चलिए एकदम बनाओ, एक ट्राइंगल है यही सब सब, देखो बात यही है, यही सब सब में जब आप पहले देखते थे जब हमसे ज्योमेट्री नहीं पढ़े थे तो आपको हार्ड लगता था ना, अब आप पढ़ लिया आपको इजी लगने लग गया, पूरा सिस्टम पूरा दुनिया इसी तरह चलता है। अभी आपको यही सब चीज नहीं आता आप सोचते थे हे भगवान कितना हार्ड होगा, अब आपको आ गया, आपको ये सब एकदम इजी लगने लग गया है, हर पूरा सिलेबस के साथ जानते यही चीज है, बस आपको कंसिस्टेंट होकर बने रहना है शुरू से एंड तक, एक एक चीज बस पढ़ते रहना है, नहीं समझ में आए उसको 2 बार पढ़ना है 3 बार पढ़ना है, एक टाइम ऐसा आएगा आपको यही सब चीज हलवा लगने लगेगा, और जब आप स्टार्टिंग में ज्योमेट्री पढ़े तो आपको सर्कल ही नहीं समझ में आ रहा था, और अभी देखो ये सब क्वेश्चन आप ऐसे ही मुंह से कर देते हो। चलो तो बता, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें डी पैरेलल बी सी है, बनाइए एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी, कुल आउट क्या सीखे थे, छोटू ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल मेरा सिमिलर बन जाता है, क्या दिया हुआ है ए डी डी बी 8 13,
पर हमको तो पता है कि काम तो हमको बड़े ट्राइंगल से है, तो साइड भी हमको बड़ा लेना होगा, यानी 21। इससे क्या सीखे कि जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसका साइड अगर 8 है तो जो बड़ा वाला साइड है वो 21 होगा। अब पढ़ते हैं, बोलता है अगर एसी 42 होता है, एसी एसी मतलब अगर बड़ा वाला ट्राइंगल का जो साइड है वो अगर 42 हो जाए, इससे कितना गुना, इससे 2 गुना, तो जो छोटा वाला ट्राइंगल का साइड होगा एई एई ये भी 2 गुना, 16 आंसर आ गया। खत्म। वेरी इजी, वेरी चीजी, कोई डाउट बोलो, एक पैसा का भी डाउट है इसमें? श्वेता 16, गीतांजलि 16, बाकी लोग मोना पॉलमी एकदम शांत है। क्या हुआ मोना पॉलमी, चिकू और कौन है, देसिका, समझ में आया? वहां पे 6 की 6 लड़की है, ऑफलाइन क्लास में जस्ट अपोजिट है, बता है, 2 वो लड़की बैठती है कुल्टी में और 35 तो लड़का बैठता है। 2 को बेचारी हम लोग का मुंह देखते ना कभी कभी, बहुत हमको खराब लगता है, यार हमको पता है लोग कितना ऑकवर्ड लगता है। 3 सना है और पम्मी है और एक कौन है, अंजलि, 3 लड़की बैठती है और पूरा इंस्टीट्यूट के एंड तक देयर लाइक 35 बॉयज। भाई साहब थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगता ही है, उल्टा होना चाहिए था तब हो जाता, लड़की लोग ना पंचुअल होती पढ़ने में, ये चीज तो हम इतना दिन में फील कर ली। आप लोग तो हो ऑब्वियसली, लड़का लोग का है तो बस फालतू में आधा से ज्यादा तो बस खाली एंजॉयमेंट के लिए क्लास आना है। चलो आगे बढ़े, क्लियर, पूरा क्लियर हुआ, बन गया, ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 कितना हो भाई, 1 2 3 4 5, चलो कॉट थीटा वाला वेरी इजी, बस खाली मेक अ ट्रायंगल करते हो और सॉल्व तो करना पड़ेगा, एग्जाम में भी तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये सब सम कैलकुलेटिव देख के थोड़ी भाग जाओगे आप। चलो करते हैं, तो बोल रहे कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा जो है वो है 15/8, आपको क्या निकालना है, 1 cos θ इंटू 2 + 2 cos θ बाय 2 - 2 sin θ इंटू 1 + sin θ। अब आपको एक चीज सीखना है, ठीक है, बहुत प्यार से सीखना है, देखो समझो। अब आप में से मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखे और देखते ही क्या करोगे, देखते ही ट्राइंगल बनाने लग गए और ट्राइंगल बनाने के बाद तुरंत ही वैल्यू निकाले और कॉस और साइन का पुट करने लग गए। अब ये गधा वाला बात हो गया, क्यों, क्योंकि आपको एक चीज दिखना चाहिए जो आपको नहीं दिख रहा है। अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लो और यहां से 2 कॉमन ले लो, ये चीज मन में चल रहा है, देखो देख के ही समझना पड़ेगा, लिख के नहीं करना है सर। तो आप जब 2 बाहर निकालोगे तो देखो क्या आ गया, 1 - cos θ और ये आ गया 1 + cos θ। इस तरह जब यहां से 2 निकालोगे तो आ गया 1 - sin θ और आ गया 1 + sin θ। ये आप देख के समझ गए, 2 से 2 कट गया, a - b a + b क्या बन जाएगा बोलिए, 1 - cos²θ, a - b a + b 1 - sin²θ। आपको पता नहीं है 1 - cos²θ क्या होता है, sin²θ, और 1 - sin²θ क्या होता है, cos²θ। आपको पता नहीं है sin by cos क्या होता है, tan²θ, और tan²θ क्या होता है, cot का opposite। तो अगर cot थीटा मेरा 15/8 है तो cot²θ कितना हो जाएगा, 225/64, हमको इसका उल्टा निकालना है बस, यानी कि 64/225 आंसर आ गया। बात समझे, अब अगर आप ट्रायंगल बनाते और फिर साइन और कॉस निकाल के बेवकूफ जैसा पुट करते तो गधे ही ना कहलाते। और ये जो चीज की है ना पूरा, ये चीज मन में कराना है देखकर, जब यहां से 2 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, कट गया, 1 - cos θ, 1 + cos θ, 1 - cos²θ, sin²θ, 1 - sin θ, 1 + sin θ, 1 - sin²θ, cos²θ, साइन बटा कॉस टेन स्क्वायर थीटा होता है। आपको कॉट थीटा दिया है, उल्टा कर दो स्क्वायर करके, आ गया आंसर। बहुत ही प्यारा, मस्त, मजा आया, इतना इजी, क्लियर हुआ पूरा। अब यहाँ पे अगर आप ट्राइंगल बनाओगे, साइन निकालोगे, कॉस निकालोगे तो कैलकुलेटर तो लगेगा ही। चलो क्लियर, मस्त, आगे नेक्स्ट सम, अगला सवाल अगर आप हमारे विद्यार्थी हैं और अच्छा से ये चीज पढ़े हैं तो आपको देखते ही सॉल्व कर देना है। जैसे देखो हम किए हैं, 25 सेकंड के अंदर ये सम बनाना है। 25 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपको एकदम नॉलेज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्या सीखे थे हम लोग कि अगर मेरा a³ + b³ + c³ = 3abc के, कैसा कब पॉसिबल होता है, जब इसका मेन फैक्टर 0 हो,
मेन फैक्टर मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, बस इसको जीरो करना है। कैसे करें जीरो बोलिए? एक काम करेंगे, आपसे थोड़ा मिस्टेक हो गया आज, नंबरिंग ना इसी के हिसाब से करेंगे, तो हम अपना नंबरिंग डाल दे रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कल से इसको रेक्टिफाई कर देंगे। जैसे इसमें 11 हम 6 लिखे तो बाद में रिकॉर्डिंग हम चाहते नहीं कोई देखे, रिवीजन क्लासेस का रिकॉर्डिंग कोई देखता है, लाइव क्लास करेगा जो वही, और क्या उसको समझ ही नहीं आएगा बाद में। चलो तो लिखना नहीं है एग्जाम में, बस आपके लिए लिख रहा है, आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 4x-5 का क्यूब प्लस x-2 का क्यूब प्लस 27x-5 का क्यूब ब्ला 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 ब्ला, उधर तो 3abc होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या मतलब है ब्ला 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 से? हमको सिर्फ मतलब है कि ए बी सी क्या क्या है। तो अगर आप ए देखो तो आपको तुरंत समझ में आ गया ये मेरा ए है, अगर आप बी देखो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये बी है, लेकिन जब सी को देखने जाओगे तो सी में कोई झोल हो गया है, करवाए हैं इस तरह का संभव, ये 27 बाहर आ गया है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पॉलिनी 27 को अंदर भेजना होगा, तो जब 27 को क्यूब के अंदर भेजेंगे तो ये मेरा 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी मेरा क्या बन गया 6x-15 का होल क्यूब। फिर से बता देते हैं, ये 27 बाहर है, 27 को क्यूब के अंदर भेजेंगे तो 3 बनेगा ना, तभी तो 3 का क्यूब 27 बाहर आता, 3 को भेज दिए तो बन गया 2 6x-15। अब तो कोरिया का कुत्ता भी जानता है, पढ़ा तो दिए, अगर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर हो जाए 3abc के तो उसका मेन फैक्टर 0 होगा, तभी तो पॉसिबल है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब ये सब इतना लिखे, सब कुछ नहीं लिखना है, स्क्रीन चल रहा है, एग्जाम में क्या लिखना है, अब जो लिख रहे हैं वो लिखना है एग्जाम। तो आप बोले a यानी कि 4x-5, b यानी x-2, c यानी कि 6x-15 बराबर 0 बराबर 0। इतना सा बस आपको एग्जाम में लिखना था, ये वाला स्टेप, ये स्टेप लिख दिए एग्जाम में, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस दैट्स इट। सॉल्व कर देते हैं, 4+1 5 और 6 कितना आ जाएगा 11x, 5 2 7 -22 बराबर 0, ये 22 उधर जाएगा, 11x बराबर 22 दिख रहा है, अरे मस्त, 11 से दो बार में कट गया, x का वैल्यू 2 इज आवर उत्तर है। ओ सॉरी, हमसे दूसरा, हमसे पूछा है x का वैल्यू 2 आया ना, हमने सोचा क्या गलती कर दी, इतना अच्छा सॉल्व किए, क्वेश्चन है बोलता है फाइंड x प्लस 3/2, तो आपका 2 आया, 2 पुट कर दीजिए, 2+3/2 7/2 आंसर आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम जबरदस्त वाला क्लियर होगा, डाउट है 2 2 2 बहुत ही बढ़िया, 2 सही है। मेरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है x प्लस 3/2, तो बस 2+3/2 डाल दिए, ब्रिलियंट किया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, फिर से 23 सेकंड, आप देख रहे हो एडवांस मैथ्स का इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप टाइम देखना बहुत खतरनाक, 20-25-30 सेकंड के अंदर अंदर बना देंगे, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर नहीं है नहीं बनेगा। 13 नंबर पे मतलब हम लोग का अभी क्लास था, 7वां नंबर पे चलते हैं, बोलते हैं ये एक रोम्बस है जिसका जो पेरीमीटर है कितना है 148। रोम्बस बनाते हैं, एक रोम्बस मतलब एक ऐसा स्क्वायर, सारा साइड इक्वल होता है, जिसको हल्के से टिल्ड कर ले। तो रोम्बस के बारे में हम लोग क्या सीखे थे कि जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बराबर बराबर हिस्सा में बांटता है। चलो यहां तक तो आपको पता है, ओके, पेरीमीटर कितना है 148, पेरीमीटर 148 है मतलब चारों साइड्स का सम 148 है, तो जब आप इसको 4 में बांटोगे कितना आ जाएगा, कटेगा कि नहीं, 37 37, यानी कि जो प्रत्येक साइड आया 37 37 37, यानी रोम्बस का हर साइड आपने कहा कि 37, बोलता है इसका एक डायगोनल जो है वो 24 है, एक डायगोनल 24 मतलब क्या 12 12 आ गया, कोई डाउट 12 12 आ गया ना 24 का, कुछ दिखा नहीं दिखा, अरे ये को राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगेगा ट्रिपलेट, 12 से कौन सा ट्रिपलेट बनता है सिखाए नहीं थे, 12 इवन होता है तो 12 का आधा करेंगे 6 आ गया, 6 का स्क्वायर 36, एक बगल वाला 37 और एक इधर वाला 35 ले लेंगे, यानी जो 12 से ट्रिपलेट बनता है, आप कॉपी देखना सब पढ़ाया हुआ है, जो 12 से ट्रिपलेट बनता है वो बनता है 12 35 37, 12 35 37, अगर ये 35 तो ये भी 35। रोम्बस का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ रोम्बस ½ × D1 D2, ½ × D1 कितना है 70 और D2 कितना है 24, 2 से कट गया 12 बार में 840 आंसर आ गया, 840 cm². ब्रिलियंट, आया था किसी का, श्वेता कुमारी 840, सुपर, गीतांजलि 12 35 37, ब्रिलियंट। चलो क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट नहीं है,
12 35 37 कर दिए, 35 35 70 बन गया, 24 दिया हुआ था, हाफ इंटू डी वन डी टू कर दिए, आ गया एरिया। अब जितना अच्छा सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, अब आपको एडवांस मैथ भी बहुत फैमिलियरिटी लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अलग क्वेश्चन है, सब तो पढ़ाया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सम फिर से देखो आप 22 सेकंड लगा है। ये क्वेश्चन अपने फ्रेंड लोगों को देना, उसको समझ में ही नहीं आएगा उसको करना कैसे है, लेकिन वही बात है ना कि इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठेगा उस बच्चा का जिसको पूरा क्रिस्टल क्लियर है माजरा, नहीं तो फिर आप तो करते रहो, क्योंकि हम इसे पढ़ाए हैं आपको, इसलिए हम डायरेक्ट बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि x4 y4 x2 y2 21, इसका दो फैक्टर निकल कर आता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy बराबर 7, तो आपको पता है अगर एक फैक्टर माइनस वाला 7 है तो प्लस वाला, उन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है ना, तो जो दूसरा वाला फैक्टर आएगा x स्क्वायर प्लस xy 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगा 21 बन जाए 3, कोई शक? मस्त, इतना तक तो आपको पता होना चाहिए यार कि इसका दो फैक्टर आता है, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, 21 का अगर एक फैक्टर 7 है तो दूसरा फैक्टर 3 आ गया। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है, देखते हैं क्या पूछा है। बोलता है फाइंड x by y plus y by x, इसको थोड़ा सॉल्व करो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या देखोगे, नीचे आ जाएगा एक्स वाई, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ध्यान से देखे कुछ दिखा, ये वाला आपको चाहिए और ये वाला आपको चाहिए, नहीं पढ़ाए हैं कितना प्यार से पढ़ाए हैं, जब भी जीवन में a प्लस बी ए माइनस बी मिल जाए तो अगर हमको बड़ा वाला निकालना है, बड़ा वाला निकालना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जोड़ के बटे दो, तो 7 और 3 जोड़ो 10 बटे दो 5 आ गया, 5 आ गया, कोई डाउट? नो डियर। और इसी तरह अगर हमको छोटा वाला दूसरा b निकालना है तो घटा के बटे दो, बट हमेशा श्वेता याद है ना, हमेशा हम लोग प्लस वाले से माइनस वाले को घटाते हैं, तो 3 में से 7 घटाएंगे और बाई 2 करेंगे, माइनस का 4 बाई 2 यानी माइनस का 2 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया 5 और एक्स वाई आया माइनस 2, आ गया आंसर माइनस 5 बाई 2। व्हाट अ क्वेश्चन, बोलो जहां डाउट है माइक ऑन करके पूछिए, हम क्लियर करते हैं, एक सेकंड का ब्रेक लेते हैं, 8 क्वेश्चन हो गया। अब अपना कॉपी देखोगे ना, इतना प्यार से आपको ये सब चीजें पढ़ाए ना, मोल नहीं है कोई, पूरा हम आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया यार, कुछ नहीं बचा है। एलजेब्रा हो, एलजेब्रा तो ऐसा पढ़ाएंगे मतलब उसका तो कोई सीन ही नहीं है, एकदम एंड लेवल मेंस तक का कोई लेवल पढ़ा दिए। चलो अगला सब में चलते हैं, 8 क्वेश्चन हो गया। ओके अगला सम जो है वो ज्योमेट्री का है, करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को मॉक में सिर्फ 6% लोग किया है, 6%, जस्ट इमेजिन एग्जाम में कितना किया होगा, इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा हैंग हो जाएगा दिमाग। अगला वाला चलते हैं, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन है, बोलता है इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बना दीजिए, हालांकि सब बनाने का जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहिए, मुंह से बनना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। देखो 17 सेकंड में बना है क्वेश्चन, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका डायगोनल ऐसे मिला दीजिए, ये दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 30, आपसे ये पूछेगा, यही पूछेगा और क्या ही पूछ सकता है, एंगल BAG, यही मजा है कि अगर आप सही से ज्योमेट्री पढ़े हो तो आप समझ जाओगे एग्जामिनर पूछेगा क्या और पूछ ही क्या सकता है। इस तरह क्वेश्चन आपको ऑलरेडी 10 बार करवा चुके हैं क्लास में। आप देखो इस आर्क पे यहां पे मेरा 30 बन रहा है एंगल, तो इसी आर्क पे यहां पे कितना बनेगा 30, कोई डाउट? ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स 180 होता है, 50 प्लस 30 80 आ गया, टोटल 180 होता है, 100 डिग्री इज आवर उत्तर, क्रिस्टल क्लियर डियर, बोलिए कोई शक नहीं होना चाहिए, मस्त आगे बढ़े। अरे यार आप लोग का तो आंसर आया था, वेरी नाइस श्वेता माइनस 5/2, गीतांजलि माइनस 5/2, वाओ ब्रिलियंट एक्सीलेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल नंबर सिस्टम से, ये सब क्वेश्चन भी हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा दिए, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया भाई सब। तो एक 5 डिजिट नंबर है, क्या नंबर है? 6888XY, जो कि डिविजिबल है 3711 से। 3711 का मतलब क्या है? 231। 3711 का मतलब ये ना है 3711। तो 3721 और 11 का लगा है 132। तो मतलब आपको इस नंबर को क्वेश्चन बोल रहा है कि 231 से डिविजिबल बनाना है। तो हमको क्या पता कि x और y का वैल्यू क्या है? तो हम लोग कैसे करते थे? हम लोग बोलते थे x और y का सबसे मैक्सिमम क्या मान हो सकता है? तो हम बोलते थे 99। तो हम लोग बोले कि लेट द नंबर बी 6899। पर क्या ये नंबर 231 से कटता है? हमको क्या पता, चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग चलो चेक करते हैं। तो 231 से काटना शुरू किए, 3 बार मारेंगे तो पार कर जाएगा, 2 बार मारना पड़ेगा, 462 आ गया, 9622। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मारेंगे पार कर जाएगा, 9 मारना होगा, 9 1 9 9 3 27 20, 9091। कोई दिक्कत नहीं, 9 मारेंगे इतना आएगा, 8 मारना होगा, 8 का टेबल, 8 1 8 8 3 24 और 18, कितना बच गया? 1 और 6, यानी मेरा 61 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब क्या है बोलिए? तो इसका मतलब ये है, क्या है पॉलीनोमी, कि अगर इस नंबर में 61 नहीं होता तो रिमाइंडर कट जाता। यार जब इस नंबर को 231 से डिवाइड किए तो 61 बच जा रहा है ना, यानी 61 एक्स्ट्रा है। तो क्या करोगे आपको इस 61 को हटाना पड़ेगा। तो जब आप 61 को हटाओगे कितना आ जाएगा जी? 8338 आ गया। यानी जो x और y का ओरिजिनल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, वो है 3 और 8 38। क्या पूछा है? बोलता है बताओ 5x + 3y कितना होगा। क्वेश्चन बोलता है बताओ 5x + 3y कितना होगा। तो 5 3 15 और 3 8 24, 39 इज आवर आंसर। खत्म, कोई डाउट? वाओ, व्हाट एन ऑसम सम और व्हाट अ ब्रिलियंट कांसेप्ट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, कोई डाउट किसी को? पढ़ाया हुआ तो है सर, यूट्यूब पे तो 10-10 क्वेश्चन कराया हुआ है। गीतांजलि गलत पे गलत आंसर देते जा रहे हैं। वेरी वेरी बैड, वेरी गुड श्वेता। फिर से सुनिए सबको, आप बोले एक्स और वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 99। इन नंबर को 231 से डिवाइड किए, 61 रिमाइंडर बच गया। अगर 61 नहीं होता तो नंबर कट जाता, इसीलिए 61 हटा दिए। क्या आया नंबर? 38। यानी x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 8। कुछ भी पूछे अपन निकाल सकते हैं। अगला सवाल तो बहुत ही बेकार है, त्रिगो का है, वेरी फालतू क्वेश्चन, जल्दी से बनाइए इसको। क्वेश्चन बोलता है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस sec 35 साइन 55 बाय sec 60 प्लस cosec 30 कितना होगा? बस वैल्यू पुट करना है, इतना तो कर ही सकते हो रे पागल, तो इजी है। चलिए, साइन 60 √3/2 का स्क्वायर 3/4, cos 30 √3/2 का स्क्वायर 3/4। अगर आप ध्यान से, साइन 55 है, साइन 55 का अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर दो तो कितना आ जाएगा? cos 55 का कॉम्प्लीमेंट 35, या साइन का कॉम्प्लीमेंट cos और 55 का कॉम्प्लीमेंट 90 से माइनस 35। cos और sec एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी कट गया पूरा, cos 35 और sec 35 कौन? एक आ गया, यानी मेरा 1 आ गया। नीचे आते हैं, cos 60 आधा, sec 60 2, sin 30 आधा, cosec 30 2, कोई डाउट? 3/4, 3/4, 6/4, 3/2, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 3/2 माइनस 1 बाय 4, 2 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो? 3 में से 2 जाएगा, आगे आपका 1/2/4, 4 से भाग कर दो, यानी 1/8 इज आवर आंसर। 1/8 इज आवर आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूरा नहीं सुने थे, सॉरी, कोई बात नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है, बस वैल्यू डालना था, दैट्स इट। इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है। जो दिक्कत होगा वो इसमें होगा। तो आप बोले क्या साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है और कॉस और सेक उल्टा होता है, कट गया ये, वन आ गया, वेरी सिंपल, मस्त, कोई डाउट? क्लियर पूरा? एडवांस मैथ जितना भी था इस शिफ्ट का सारा आप कर लिए, सिर्फ आपको एक तो बचा है ये वाला, वो ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन, ट्राइंगल वाला करेंगे करेंगे लास्ट में। आगे बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन भी करते हैं।
चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वाला क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग के लिए हो गया, अभी 12। चलो जी करें, आइए। बोलता है तीन नंबरों में से जो एवरेज है फर्स्ट टू नंबर्स, यानी ए और बी का एवरेज कितना है 5, लास्ट टू नंबर्स बी और सी का एवरेज कितना है 8, एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर ए और सी का एवरेज कितना है 17। फाइंड एवरेज ऑफ ऑल ऑफ देम। यार आप हमसे एवरेज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कितना प्यारा बात है। इसमें कुछ करना है आपको, आपको हम क्या सिखाए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां आपको ए बी का एवरेज पता, बी सी का एवरेज पता और ए सी का एवरेज पता, और अगर आपको बोलेगा इन तीनों का एवरेज निकालो, ए बी सी का एवरेज निकालो, तो जो इन तीनों का एवरेज होगा वही मेरा आंसर होगा। कर दो इन तीनों का एवरेज, 17 8 25 5 30 by 3, 10 इज आवर आंसर, खत्म, दैट्स इट। जब भी इस तरह से ए बी बी सी सी ए का एवरेज दिया हो और आपको बोले ए बी सी का एवरेज निकालना है, तो कुछ नहीं, इन तीनों का जो एवरेज होगा, इन तीनों एवरेजेस का जो एवरेज होगा वही आंसर होगा। तो तीनों को जोड़े और डिवाइड बाई 3 कर दिए, याद है, क्लियर। आगे बढ़े, अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का है, 14वां नंबर, 14 हम लोग के लिए, 13। पढ़िए क्वेश्चन क्या होगा। बोलता है कि ए एक बंदा है जो कि बी को एक आर्टिकल बेच रहा है 25% का प्रॉफिट में, यानी ए बेच रहा है बी को क्या में 25% प्रॉफिट, फिर बी इसी सामान को सी को बेच देती है एट 15% प्रॉफिट, बी सी को बेच देते हैं एट 15% प्रॉफिट। बोलता है द प्रॉफिट मेड बाय बी इज 40 लेस देन प्रॉफिट मेड बाय ए, तो जो बी का प्रॉफिट होता है वो 40 रुपया कम है ए के प्रॉफिट से। क्या बताना है आपको, फाइंड सीपी ऑफ ए, आपको ए का कॉस्ट प्राइस बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, 1 मिनट देते हैं हम टाइम, कैन यू सॉल्व इट। श्वेता का आंसर आता हुआ, ओके। और कोई, जब भी इस तरह से सीन आता है ना कि ए बी को बेचा, जी को बी सी को बेचा, तो हम लोग सक्सेसिव लगाते थे ना, सक्सेसिव कि ए इज टू बी, बी इज टू सी, पर इस समय सक्सेसिव नहीं लगा सकते। पहले आप समझो क्यों नहीं लगा सकते। देखो सक्सेसिव कब लगता है, सक्सेसिव तब लगता है जब हमको पहले वाला कि पहले कितना था ओरिजिनल और नया वाला न्यू कितना है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हो। यहां पे तो हमको बीच में कंपैरिजन कर रहा है। आप देखो कैसे मेरे को क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो बी का प्रॉफिट हुआ वो ए के प्रॉफिट से कम है, यानी हमको बीच वाला को कंपेयर करना है। जब भी बीच वालों को कंपेयर करना पड़ता है, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, यानी हमको पूरा माजरा पता होना चाहिए। बहुत प्यार से सॉल्व करते थे हम लोग, लिखे ये तो क्वेश्चन था ही, तो आपको समझाने के लिए लिखे हम। सॉल्व करने में कैसे लिखते, देखना, ए है बी है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी को कोई सामान बेचा 25% के प्रॉफिट पे। 25% प्रॉफिट मतलब 1/4, यानी 4 का सामान ए सोल्ड इट टू 5। कोई दिक्कत, मार उठाओगे, दिक्कत बोले तो 4 से 5 में बेच दिया। अब आता है सी का बारे, बी जो है इसी सामान को सी को बेचा है 15% का प्रॉफिट में, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 5 का 15% निकाले तो पॉइंट वॉइंट आ जाएगा ना, तो इस पॉइंट वॉइंट से बचने के लिए क्या करते हैं आप, डिस्काउंट डिस्काउंट, यानी हम इसको बोल दिए 400 रुपया, इसको बोल दिए 500 रुपया। तो जब ए का 400 में खरीदा, बी को 25% का प्रॉफिट पे यानी कि 500 में बेच दिया, बी सी को बेचा है 15% का प्रॉफिट, 15% कितना हो जाएगा इसका 75, यानी 575। यानी मेरे हिसाब से अगर हम आपसे बोले बी को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप बोलोगे मेरे हिसाब से बी को प्रॉफिट हुआ 75 का। श्वेता योर आंसर इज एब्सोल्युटली बैड, मेरे हिसाब से जो बी को प्रॉफिट हुआ 75 का, मेरे हिसाब से अगर हम आपसे पूछे ए को कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलोगे 100 का, यानी हम लोग के हिसाब से जो बी को प्रॉफिट हुआ 75, जो ए को प्रॉफिट हुआ 100, कितना कम पॉलिनी 25, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बी को प्रॉफिट हुआ वो ए के प्रॉफिट से 25 कम नहीं है, वो तो 40 कम है। कितना कम है, 40 कम है, यानी कि 5 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया 8 बार में, तो 5 का वैल्यू अगर 8 है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 8/5, 8/5, और हमको निकालना किसका वैल्यू है, हमको निकालना है फाइंड सीपी ऑफ ए,
ए का सीपी निकालना है। तो अगर एक का वैल्यू 8/5 है तो जो ए का सीपी है इसको भी 8/5 कर दीजिए, 5 से कट गया 80 बार में, 640 निकालो, 640 पहला ऑप्शन। बहुत ही प्यारा सम था, नो सीपू, वेरी बैड। बोलिए श्वेता एकदम गड़बड़ कर दिया, ऑप्शन में भी है, बाकी लोग बोलो कहाँ डाउट है, पूरा प्रोसेस ध्यान से बताओ। देखिए अरे डाउट तो क्लियर करिए, इस क्लासेस का तो मोटिव यही है कि आपका डाउट क्लियर हो। आपको किस जगह में डाउट है एकदम तुरंत बोलिए माइक ऑन करके। अब तो इतना कम जन है क्लास में, ऐसा मौका मिलेगा? अब हमको लगा कोई बैच में ऐसा मौका मिलने वाला है, 5 जन रहेगा। चार सौ, 500, 15%, 75, 100 से 25 का क्वेश्चन बोल रहा है, 25 नहीं 40, तो 25 का वैल्यू अगर 40 है तो एक का वैल्यू 8/5, ए का सीपी पूछा था 8/5 इंटू कर दिए। मान लीजिए हमसे बी का सीपी पूछता यहाँ पे इंटू कर देते, मान लीजिए हमसे सी का सीपी पूछता यहाँ पे इंटू कर देते। सबको क्लियर ना, इतना प्यारा सब बोलो। बोलिए सर, बोलिए बोलिए बिल्कुल सर। पीए प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी को कंपेयर किया तो सी को क्यों इंक्लूड किए? अरे तो सी को हम कहां इंक्लूड किए, हम तो बस का प्रॉफिट निकाले, तो सी को बेचेगा तभी तो प्रॉफिट कमाएगा। अच्छा ठीक है, अगर हम सी को यहां से हटा दें तो बी का प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? ओहो अच्छा ठीक है, समझ गए। बी को तो बेचना पड़ेगा ना यहां सी को, तभी तो 15% का प्रॉफिट 75 रुपीस कमाएगा। तो आप बोले कि इसका प्रॉफिट 75, ए का प्रॉफिट 100, तो इस तरह के सब में यही फायदा है। अगर आप मैथमेटिक्स करोगे, इक्वेशन बनाओगे, ये वो लनपन मत करना, जैसे हम लोग शुरू से बोलते हैं हमेशा एकदम रियल लाइफ करें। जैसे क्वेश्चन में बोला ए का प्रॉफिट बी का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट बी का प्रॉफिट, कंपेयर कर दी और अपनी डायरी मार दी, पर क्वेश्चन बोल रहा है। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल परसेंटेज का, 9th नंबर। मेरे से पहले बनाइए, चलिए हम क्वेश्चन डिस्क्राइब करेंगे, उतना देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। सब क्वेश्चन में कुछ का टाइम है, 24 सेकंड लगा है हमको। बोलता है कि एक स्कूल है उसमें 45% बॉयज है। चलो हिंट तो आप समझ गए तुरंत, बॉयज और गर्ल्स में 45% मेरा बॉयज है तो लड़कियां कितनी होगी पता है ना? बोलता है कि 60% बॉयज 70% गर्ल्स पास्ट। बोलता है 60% लड़का लोग 70% लड़की लोग पास हो गई, पास हो गई। अरे पता है आपको अगर पास वाला दिया है तो फेल का पूछेगा, फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हू फेल, आपको बताना कितना परसेंट बच्चे फेल किए। चलो कैसे करेंगे एग्जाम में, बहुत इजी सर यार, वेरी वेरी इजी। तो आप बोले बॉय इज टू गर्ल 45:55, यानी कितना आ गया 9:11। पर अगर हम लोग 9 और 11 में खेला करेंगे तो पॉइंट वॉइंट आ जाएगा, क्या करते थे डिस्कम, यानी उसको बना दिए 90 और 110, 90 और 110। गधा बच्चा क्या करेगा, गधा बच्चा 60% निकालेगा, इसका 70% निकालेगा, बट आप तो नहीं हो गधे, आप तो खच्चर, सॉरी आप खच्चर भी नहीं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, सॉरी ठीक है। सो 60% अगर बॉयज पास करते हैं तो फेल कितने करेंगे, 40% है ना, और अगर 70% गर्ल्स पास करते हैं तो फेल कितनी करेगी, 30%। यानी अगर 40 हम लोग सीधा फेल को टारगेट किए ना, पास भाड़ में जाए तो इसकी बॉयज में फेलियर कितना हो गया 36 और गर्ल में फेलियर कितनी हो गई 33, तो टोटल कितना फेल हो गया 69 इसके ऊपर, टोटल बच्चे के ऊपर यानी 200 के ऊपर परसेंट के लिए इनटू 100, 2 से काट दिए 34.5 आंसर आ गया। कोई डाउट, कोई शक, एकदम मस्त वाला सॉल्व हुआ है, कोई इशू नहीं है, वेरी गुड श्वेता, कोई डाउट नहीं है। बॉय गर्ल आया 9:11, 90:110 कर दिए, हमको फेलियर से काम था, वी टारगेटेड द फेलियर्स, यानी यहाँ 40% फेल किया, यहाँ पे 30% फेल किया, तो सीधा फेलियर्स पे टारगेट कर दिए। इजी तो। अगला आते हैं डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, 15 नंबर, इसमें है 7 नंबर, देखो 14 सेकंड में बना, मात्र 14 सेकंड यार। चलो बोलता है ओम ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड गिव्स एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%, सब खत्म हो गया, सक्सेसिव, और क्या, दो तो डिस्काउंट दे रहा है, एक तो 15% का, एक तो 10% का, तुरंत सक्सेसिव लगाइए, 15% मतलब 20 से 17 और 10% मतलब 10 से 9, कुछ तो कटेगा नहीं, यानी अगर 200 का सामान होता तो 153 में बिकता,
पर छी 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 इसीलिए इतना कम सेकंड लगा है, तो कुछ करना ही नहीं है। पर क्वेश्चन बोल रहा 153 में नहीं बिका, ढिचका तो यहाँ पे भी दो को ढिचका मार दीजिए, आ गया आंसर 20,000। वेरी इजी ना, वेरी इजी, बेकार सब। आगे बढ़ते हैं, बोलता है थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2, 2/3, 1/2, 2/3। सब सब क्वेश्चन सीजीएल का है सारा, 1/2, 2/3, 3/4, 3/4। यार कैसा रेशियो है, रेशियो तो प्यार वाला रिश्ता होता है, आटा बटा तट्टा का भी होता है, बोलो आप कभी नहीं होता। तो आप बोले एक ऐसा नंबर जो सबसे कट जाए, यानी 2, 3, 4 का एलसीएम 12, तो ये कितना बन गया 6, कितना बन गया 8, ये कितना बन गया बोलिए 9। यानी जो परफेक्ट रेशियो आया, अच्छा रेशियो, वाया 6:8:9। पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इफ डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इज 36। मेरे हिसाब से जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस आया वाया 3, पर क्वेश्चन बोल रहा है 3 नहीं है 36 है, इससे 12 गुना। क्या पूछ रहा है बोलिए, तो सारा नंबर्स बताओ, 12 इंटू कर दीजिए, 12 6 72, 12 3 96, 12 9 108। बेकार सा, ये वाला इनफैक्ट सारा सम ही तो वैसा ही है, अगर आप पढ़े हो ना अच्छे से, स्टूडेंट अच्छे हो, मैथ्स आपको समझ में आया, सारा सम बेकार ही होता है। 25 में से हम आपको एक बात बता देते हैं, 20 सम चाहे आप कोई सा भी सेट निकाल लो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया मेरे थ्रू, 20 सम तो आपको ऐसे ही बन जाएगा आपसे, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो। हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं हमारे जिसका कंप्लीट है, दे स्कोर 40-42 का मतलब क्या है कि 20 सम कर देते हैं, 5 सम जो बचाना ये आपको कोई टीचर नहीं सिखा सकता। हम बताते हैं क्या है, क्योंकि ये 5 सम में ना थोड़ा सोचना पड़ता है, ये सब डायरेक्ट नहीं रहता, उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो डिपेंड करता है जो जितना अच्छा प्रैक्टिस किया वो ये 5 सम कर लेते हैं। 5 में भी 2-3 तो नॉर्मल रहता है, 2 सम या 3 सम ऐसा रहता है जो मतलब भौकाल वाला। चलो मस्त ना, आगे बढ़े, वाओ 16 सम कर लिए, वेरी नाइस। सिंप्लीफिकेशन हम जानबूझ के भेजे, क्योंकि अब हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन डीआई ये सब भी तो करना पड़ेगा यार। चलो करते हैं, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, फिर हम बताएंगे कैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखते, गधे थोड़ी है। 17 नंबर 5/4 × 2/3 / 5/9 ऑफ 1/5 + 2/25 × 4/6 / 2/7 ऑफ 2/1/3। ये आपके स्क्रीन में आ गया एज इट इज। अब हम लोग करेंगे कि सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सबसे बड़ी बात टाइम कम लगना है, और उससे भी बड़ी बात एक्यूरेसी होना चाहिए, मतलब एक्यूरेसी में दिक्कत नहीं होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब कैसे करें देखो, सिंप्लीफिकेशन में कोई सा भी सवाल आ जाए, मोस्टली ना ये सब बोर्ड मसाला ही क्वेश्चन होता है सारा, जितना भी सिंप्लीफिकेशन होता है, आपको जो चीज गलती कराएगा, हम बताते सिर्फ एक ही चीज गलती कराएगा, उस चीज को अगर आप समझ गए तो आपको कभी सिंप्लीफिकेशन गलत नहीं हो सकता, और वो है ऑफ। यस, बाकी सब में आपका दिमाग आपको कभी गलत नहीं करा सकता, आपको पता है पहले डिवाइड होता, फिर मल्टीप्लाई होता, फिर प्लस होता, फिर माइनस होता, लेकिन ऑफ ऐसा चीज है जो हमेशा गलती कराता है, हमेशा। तो अब आपको बस इतना समझना है, ऑफ का मतलब है फेविकॉल का जोड़ से चिपका हुआ एकदम, किससे, फेविकॉल से, समझ रहे ना, तो ऑफ का मतलब है फेविकॉल, मतलब कभी भी ऑफ अगर आपको नजर आए तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको ऑफ को देखना है। आपको एग्जाम्पल देते हैं ऑफ का, कितना भयंकर बात है, मान लो कहीं पे लिखा है 15/5 × 3, कितना आंसर आएगा, आप तो पट से कर दोगे कि 15/5 × 3, अरे भैया 9 आंसर है, अरे सर 9 आंसर है ना? बट अगर हम यही अभी हम ये नहीं देते और डायरेक्ट दे देते ना ऐसे 15/5 × 3, जिनका बेसिक्स अच्छा तो वो तो कर देंगे, बट और लोग इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, फेसबुक पे देखना ही सब वायरल होता है। अगर आप में दिमाग है, अगर आपको लगता है आपकी गर्लफ्रेंड को आपसे प्यार है, तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखे, तो इसमें इसका उत्तर देखिएगा, जिस लोग को गधा लोग को कमेंट में प्यार है वो 9 देगा इसका आंसर, तो उसका आंसर कभी सही होगा नहीं, क्योंकि 9 तो होगा नहीं इसका आंसर। अब जिसको मैथ आता है उसको पता है कि ऑफ का मतलब यहाँ पे 5 और 3 चिपका हुआ है, तो 5 ऑफ 3 का मतलब क्या है 15, यानी 15/15 आंसर विल बी 1, 1, ओके।
मस्त समझ में आया। अभी इस चीज को बस मद्देनजर रखते हुए आप कोई सा भी सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जाम में, करते हैं कैसे। एग्जाम में पूरा नहीं लिखते भाई, लेकिन चलो सीधा बनाते हैं। स्टार्ट किया, आप स्टार्ट किए, ठीक है। 5/4 × 2 3 6 2 8/3। अब आपको यहां से पूरा सीन चेंज हो जाएगा। जैसे ही अभी कोई नॉर्मल बच्चा होगा वो डिवाइड देखेगा, बचपन से क्या सीखा है कि डिवाइड का मतलब इनटू, और इसको ऊपर कर दिया 9/5, बस हो गया आपका बेड़ा गर्क, आपको मिल गया 0, खत्म, आपका ढाई नंबर चला गया। क्यों? क्योंकि भाई डिवाइड के बाद जो देखो मेरा ऑफ आया हुआ है, और अभी हम लोग सीखे ऑफ मतलब फेविकॉल। तो फेविकॉल का जोड़ से ऑफ को पहले आपको चिपकाना होगा, फिर आप करोगे। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को आप साइड में लेके गए, सॉल्व किए, फिर डिवाइड किए। तो चलो करते हैं। इसका मतलब क्या है, 5/9 × 6/5। 5 से 5 कट गया, 3 से 2 बार में और 3 बार में, यानी इसको सॉल्व करके मेरा आ गया 2/3। अब जिसका मैथ्स अच्छा है थोड़ा बहुत, उसको ये सब करना नहीं पड़ता पेन से, इसे हम इस पेन से नहीं करते, डायरेक्ट करते। 5 से 5 कट गया, 6/9 यानी 2/3, क्योंकि डिवाइड में है। अब इसको इंटू में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। कोई शक दिया नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। प्लस 2/25 × 7 = 24 = 25/6, फिर से डिवाइड आया। गलती नहीं करना है, देखना है क्या फेविकॉल है। हाँ है, अगर फेविकॉल है ऑफ माने फेविकॉल, तो इसको फिर पहले सॉल्व करेंगे फिर यहां लिखेंगे। तो पहले सॉल्व करके इसको साइड में लाते हैं, 2/7 × 3 6 7/3, 7 से 7 कट गए यार, यानी आ गया 2/3, क्योंकि डिवाइड है 2/3 में, पलटेंगे यानी बन जाएगा 3/2। बस क्लियर, क्वेश्चन हो गया स्टॉप। यानी अब आप ध्यान से अगर देखो तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता तो आपको सिर्फ ये वाला स्टेप करना, ये सब चीज तो आप मन नहीं कर लेते। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो हम बताएं ऐसे बनाया जाता है। अब स्टार्ट करें, 3 से 3 कट गया, 8 से 8 कट गया, 25 से 25 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 2 कट गया, यानी 5+ 1/2 चिपका दीजिए, 5/1/2 आंसर आ गया, खत्म। यार क्या मस्त ना, मजा आया सॉल्व करके, कितना मजा आया बोलो, कितना प्यार से सॉल्व किए देखें, और कितना मक्खन जैसा सॉल्व किया, कोई टेंशन नहीं लगा, और कितना मतलब स्वीटली स्मूथली सॉल्व हुआ, स्मूदी नहीं जैसा, वाओ, है ना। चल एक दिन स्पेशल हम लोग सिंप्लीफिकेशन का क्लास रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं, ऑफ माने फेविकॉल, ठीक है। करीना कपूर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी का खाना जी भूल रहे हो, बहुत दिन हो गया गाना सुने हुए, खत्म, ये खत्म। दैट सम वो वाला ट्रायंगल वाला भाई खतरनाक सम है, इसको ना मॉक में 6% लोग किया है, मतलब मजा आ गया इसको हमको बना के ना, एकदम आग। आज के क्लास का 18वां सम है ये आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट वोकल सम है। इसको जब मॉक में 6% लोग किया है तो गारंटी है साला एग्जाम में कोई किया ही नहीं होगा, बहुत रेयर लोग किया होगा। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कभी भी पहला अटेम्प्ट में नहीं करते हैं, लास्ट में एट द एंड ऑफ द पेपर करते हैं, और अगर छूट भी जाए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन जानते क्यों दिया था, एग्जाम खराब करने के लिए। इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है ऐसे उतना हार्ड नहीं है, लेकिन आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं बनेगा, यही बस बात है। तो इस तरह क्वेश्चन कभी भी ऐसा हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो वो एग्जाम खराब करने के लिए बनाया जाता है, कि आप उस क्वेश्चन में टाइम अपना गवा दो और सारा क्वेश्चन भूल जाओ। चलिए कभी भी ऐसा सोच के मत जाना कि हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं, ऐसा नहीं होता, गलती तो हो ही जाता है। मेरे भी देखो मेंस में 95 करेक्ट हुआ, प्री में भी 47.5 आया, एक गलती हो गया, सीएचएसएल में बस 50 आया। तो यही है, गलती हो जाता है यार, सिली मिस्टेक्स, कोई दिक्कत नहीं है। सीएसएल में भी आपको एक मस्त बात बताते हैं, 24 तो हम खुद से सॉल्व किए थे, एक ना आंसर नहीं आ रहा था, 2 में हम कंफ्यूज थे, तुक्का लगा दिए, सही हो गया, गलत भी हो सकता था। इसीलिए 24 सम्स 23 सम भी अगर आप बना लेते हो इट्स अ वेरी 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 एक्सीलेंट स्कोर। चल आगे बात, एक ट्राइंगल पी क्यू आर, यही है ना, और तो कुछ नहीं बचा है ना, सब कुछ कर लिया हम लोग, नाइस। एक ही संबंध बचा है, यही वाला है, सो करके क्लास एंड करते हैं। इस समय टाइम लेगा, इसको समझना पड़ेगा आराम से, देख लेते हैं, छूटना नहीं चाहिए। ओके मस्त, चलो इसको बनाते हैं प्यार से एकदम। बोलता है कि इन ट्रायंगल PQR एंगल P 90 है, यानी राइट ट्रायंगल बनेगा, बनाते हैं इसको बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे। PQR कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
PS is the bisector of angle P. एकदम प्यार से क्वेश्चन जानते, फिगर नहीं बनाओगे, गड़बड़ बना दिए फिगर, सब खराब सब खराब। छोटा सा गलती पता क्या कर देता है बच्चा, यहाँ लिख देगा पी क्यू आर, पूरा खराब हो गया क्वेश्चन में, एंगल पी बोला था ना 90, तो पी को यहाँ आपको बनाना होगा। अब आगे बढ़ते, पी एस बाई सेक्टर ऑफ एंगल पी, यानी जो पी एस है वो इस एंगल का बाई सेक्टर है। कभी भी अगर किसी भी ट्राइंगल में एंगल बाई सेक्टर बन गया तो एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगेगा ही लगेगा, मतलब इट्स कंफर्म। एंगल बाई सेक्टर थ्योरम क्या बोलता है याद है ना, किसी भी ट्राइंगल में अगर ऐसे एक एंगल बाई सेक्टर बन रहा है तो जो इन दोनों का रेशियो होता है इन दोनों का भी सेम रेशियो होता है, यानी जो इन दोनों का रेशियो होगा इन दोनों का भी सेम रेशियो होगा। क्रिस्टल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एस टी इज अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एस टी परपेंडिकुलर पी क्यू बनाओ, एस टी परपेंडिकुलर पी क्यू। चलिए वाह क्या मस्त बन रहा है ना, पी आर बराबर 24, पी आर बराबर 24, पी क्यू बराबर 30, पी क्यू बराबर 30। फाइंड द लेंथ ऑफ एस टी, फाइंड द लेंथ ऑफ एस टी, इसका आइडिया बता। जल्दी से पहले आप लोग थम्स अप दो कि जो फिगर बनाए क्वेश्चन पढ़ के पूरा फिगर समझ में आया कैसे बना, जल्दी बोलो फिर बनाते हैं, ऐसे भी तो लास्ट समय। पक्का क्लियर हुआ फिगर कैसे बनाए? हाँ गीतांजलि, चीकू, बाकी लोग बोलो फिगर क्लियर हुआ, पॉलोमी, मुना और कौन है, दीपशिखा, ओके ठीक। अब ये तो हो गया कि आप क्वेश्चन देखे और ये आप रेस्पॉन्स दिए, अभी तक तो हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे लगाए, जैसे क्वेश्चन बोला था फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक ट्राइंगल 90 बनाए, पीएस एंगल बाइसेक्टर बनाए, एसटी परपेंडिकुलर बनाए, अब रेस्पॉन्ड करने का टाइम। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको पता दिख रहा है कि नहीं, हमको पता है कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले आप बोले ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो जो इन दोनों का रेशियो होगा, कटम कुटी करते हैं 6 से 4 बार में, 6 से 5 बार, जो इन दोनों का रेशियो होगा, इन दोनों का भी यही रेशियो होगा, कोई शक दिए, एकदम शक होना से नहीं चाहिए तो मार मार के मुआ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इन दोनों का रेशियो 5:4, इन दोनों का रेशियो 5:4। अब मजा देखो, आप अगर हम इसको मिटा दे, ठीक है मिटा दें, मिटाए क्यों आपको बता रहे, देखा ध्यान से, देखो एंगल बाइसेक्टर की मदद से आप बोले ये 5:4 तो ये भी 5:4। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक मेरा पेट कटर ट्राइंगल नहीं बन गया, कैसे, किसी भी पेट कटर ट्राइंगल में क्या होता है कि जो ये वाला लाइन के पैरेलल होता है, अगर ये और ये दोनों ही एंगल्स 90 है, इसका मतलब ये जितना इंक्लाइंड है ये भी उतना इंक्लाइंड है, अरे ये दोनों एंगल्स कब इक्वल होगा, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो, यानी ये मेरा एक पेट कटर ट्राइंगल बन गया, और पेट कटर ट्राइंगल मतलब छोटू ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल सिमिलर होता है, तो जो छोटू ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल का रेशियो होता है साइड्स का वो सेम होता है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग छोटू ट्राइंगल का बेस ले तो एक्स आ गया, अगर हम लोग बड़ा ट्राइंगल का बेस ले तो 24 आ गया, अगर हम लोग छोटू ट्राइंगल का ये वाला साइड ले तो 5 आ गया, अगर हम लोग बड़ा ट्राइंगल का ये वाला साइड ले तो 9 आ गया, सम खत्म हो गया, बस इतना सही सम था। लेकिन कितना आसान देखने में, आप कितना आसान हो गया था देखो, कितना मस्त, 3 से कट गया 3 बार में 3 से कट गया 8 बार में, 8 उधर गया, x is equal to 40/3, 13.33 is our answer. What a phenomenal, outstanding, remarkable, मतलब splendid, brilliant, wow, spectacular. बोलो फिर से बताएं पूरा, देखो ये एंगल बाइसेक्टर था तो इस एंगल बाइसेक्टर के मदद से आप ये जो रेशियो है यहाँ पे रेशियो निकाल दिए 5/4। अब हम लोग देखें, क्योंकि श्वेता ये वाला एंगल इक्वल हो गया तो ये मेरा एक पेट कटर ट्राइंगल बन गया, और पेट कटर ट्राइंगल तो आपको पता ही है छोटू ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल सिमिलर, तो छोटू ट्राइंगल का ये वाला एक्स, छोटू ट्राइंगल का ये वाला एक्स, बड़ा ट्राइंगल का ये वाला 24, छोटू ट्राइंगल का ये वाला 5, बड़ा ट्राइंगल का ये पूरा लेंगे ना तो 9, कटम कुटी कर दिया आंसर आ गया, 3 से 3 बार में 3 से 8 बार में एक्स इज इक्वल टू 40/3, 13.33। क्या जी मजा आया कि नहीं आया लास्ट सम में, बोलो 6% आंसर दे, 6% जस्ट इमेजिन।
Mona has solved it already. Very good, Mona. Brilliant. Fantastic. Must. Clear. Crystal clear. Wow. थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो गया ना. अब ऐसे आप लोग इतना कम कम जना होगे तो कैसे अच्छा लगेगा. अभी बैच में ज्यादा जन बचे भी नहीं है. गिन के 13-14 जन बचे. चलो कोई बात नहीं. अब न्यू बैच होगा, नए बच्चे आएंगे, फिर वही जोक्स, फिर वही मस्ती. वैसे ही होता है. अभी कुल्टी में नए नए स्टूडेंट्स आ गए, अभी सब वैसे ही हो गया. तो वैसे ही होता है, एनर्जी वो एक्सचेंज होता है. लेकिन अभी अब मेरे को लगता है कि अब मेरा जो फर्स्ट था आप लोग के लिए 99% आई डिड इट. बाकी तो अब आपको करना है ना. ऐसे भी तो सारा कुछ आप ही का है. 100% आप ही करेगा एग्जाम में, मेरा थोड़ी कुछ है. हम तो बस एक छोटा सा हेल्प आपका कर दिए, नॉलेज बांट के चले जा रहे हैं. ऑल द बेस्ट मोना. चल ओके, मिलते हैं कल फिर. अभी ऐसे चलेगा एकदम गर्दा गर्दा क्लासेस. आप ऐसा क्लासेस अगर ऐसा कम से कम 20 भी कर लिए ना भाई, मजा आ जाएगा. 20 क्लास के बाद ना पूरा मैथ का निचोड़ आपके पास हो जाएगा, फुल एकदम मैथ्स का. और स्पेशली अगर सीजीएल वाला करते हो तो डोंट वरी, हम सिर्फ सीजीएल वाला ही कराएंगे 20 दिन तो एटलीस्ट, क्योंकि सीएचएसएल तो नेक्स्ट मंथ है. उस तक अगर ये सब करने लग गए तो उसका समय ऐसे ही कर दोगे. चलो सर. ओके सर, एक ऐसे ही सब में जो मेरे को मेरे से नहीं बन रहा है भेजिएगा सर, आपको कल हम उसको इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है. और जो आपको भेजे थे वो भी. क्या भेजे थे आप, ज्योमेट्री का था वो? हाँ, इसी से रिलेटेड, यही टाइप समथिंग था. ठीक है सर. ऐसे अगर और ज्यादा अगर डाउट्स है ना तो आप डाउट्स ग्रुप में भेजना, वो स्टूडेंट लोग तो बना ही देगा. भेजते ना डाउट्स ग्रुप में सर, क्योंकि वो लोग लिख के करते ना तो आप समझाते तो मेरे को ज्यादा क्लियर होता. अरे तो हाँ, मेरे को भी भेज देना, पर मेरे से पहले वो लोग भी समझा देगा, इसीलिए दोनों चीज बात है. ठीक है, ठीक, कल मिलते हैं देन. बाय, टेक केयर एवरीवन. टाटा.